आज मैं बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक से खोले जाने वाले रक्षक प्रस अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, ये अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक ने हमारी सेना के लिए ही इसको लेकर आया है। जैसे कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में DSP अकाउंट खोला जाता है, इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक में रक्षक प्लस अकाउंट खोला जाता है। दोस्तों, ये अकाउंट जो है सभी रक्षा कर्मियों के लिए खोला जाता है, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं के तीनों अंग के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए और सभी अर्धसैनिक बल के बीच में खुलवा सकते हैं। दूसरे जैसे कि हमारे इसमें और दूसरे दल हैं वो भी इसमें खुलवा सकते हैं, स्टेट पुलिस भी खुलवा सकती है इसमें। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें सबसे ऊपर की तरफ दिया है द बैंक द आर्मर्ड फोर्स कैन बैंक अपॉन, तो ये एक ऐसा बैंक है जिसमें आप सभी रक्षाकर्मी विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी मैं चलता हूँ रक्षक प्लस पे और मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं। तो इसके फीचर्स देखिए दोस्तों, तो इसके फीचर्स में कवर आर सर्विंग बेटर अंडर ट्रेनिंग। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, हमारे सभी जितने भी सैनिक हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके सभी नौकरी करने वाले, ट्रेनिंग करने वाले और सभी पेंशनर, ये सभी के लिए खोला जा सकता है और ये जीरो बैलेंस पे हम इसको खोल सकते हैं। और इसमें फ्री स्वाइप फैसिलिटी हमको मिलती है 10,000 से लेके 1,000 रुपये तक हम फ्री। दोस्तों, हम इसमें अपने TDR और STDR भी बना सकते हैं। इसमें 10,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के, वो भी 1,000 के मल्टीपल में बना सकते हैं। 7 दिन से लेकर 365 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट पर दोस्तों, नो कैश हैंडिंग चार्ज इन ट्रांजेक्शन। इसमें दोस्तों, इस अकाउंट में हमें किसी भी तरह का कोई भी जो लेन देन पर किसी तरह का कोई चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज हमारे पर लिया नहीं जाएगा। सब कुछ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और ड्राफ्ट अप 3 मंथ। तो दोस्तों, ये 3 साल की हमारी जो नेट सैलरी है या हमारी पेंशन है, उसको हम 3 महीने के एडवांस में ले सकते हैं और ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसका जो रेट रहेगा, MCLR जो रहेगा, यानी कि मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेसिस लैंडिंग रेट और प्लस 2% मिलाकर उससे हम वो लिया जाएगा सिर्फ, बाकी इसमें कुछ नहीं लिया जाएगा। 3 महीने की सैलरी हम निकाल सकते हैं। JCOs ओवर्स एंड इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट्स, तो ये JCO और इंडियन आर्मी के लिए 75,000 रुपये तक का JCO, हमारे जवान उनके लिए 75,000 रुपये तक लिमिट है दोस्तों। और हमारे ऑफिसर्स जो है इंडियन आर्मी और उसके समकक्ष जितने भी आते हैं, उनके लिए 3 लाख रुपए तक की लिमिट इसकी है दोस्तों। और उसमें हम अनलिमिटेड DD अपनी बनवा सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। वो 50,000 रुपये तक के, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा बनवाएंगे तो उस पर हमारा चार्ज लग जाएगा। और जीरो बैलेंस पर सेविंग अकाउंट फैसिलिटी पूरे फैमिली मेम्बरों के इसमें मिलेगी। हमारे सपोज हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, सभी को जीरो बैलेंस पर फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। पर्सनल एक्सीडेंट जो डेथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अगर हम हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें हम पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो इसमें हमें 30 लाख रुपए तक का कवर दिया। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ अब्लिक परमानेंट टोटल डिसेबल इंश्योरेंस, ये 30 लाख। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा गया है, तो हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी इसमें मौत हो जाती है या हम परमानेंट विकलांग हो जाते हैं, तो उसमें हमें 30 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एयर एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस, तो अगर दोस्तों हमारी हवाई जहाज की यात्रा के दौरान मौत हो जाती है, तो उसमें हमें 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा दोस्तों। फाइनेंशियल सपोर्ट एजुकेशन टू द डिपेंडेंट चाइल्ड डेथ, अगर हम दोस्तों अगर हमारी डेथ हो जाती है, तो उसमें हमारे बच्चों को जो है इसमें लाभ दिया जाएगा 1 लाख रुपये से 4 साल तक के लिए दिया जाएगा। 1 लाख रुपये पर साल के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमें हमको दिया जाएगा। ATM कम डेबिट कार्ड, तो दोस्तों ATM और डेबिट कार्ड में यहाँ बताया गया है। इसमें ऑफिसर इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट, यानी कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर और उसके समकक्ष जो भी आते हैं दोस्तों, उनको प्लेटिनियम का रुपये का इंटरनेशनल डेबिट ATM दिया जाएगा। उसकी डेली मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट जो होगी 50,000 रुपये तक की होगी और 4 लाख रुपये तक की POS पर इसको लिमिट दी जाएगी। किसी भी लॉज वगैरह में 2 टाइम जो है कैलेंडर 3 महीने के हिसाब से इसमें आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलेगी। इंश्योरेंस कवर 2 लाख केस एक्सीडेंटल डेथ, तो इस पर हमको अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो इसमें हमें 2 लाख रुपए तक का इसमें भी कवर मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जैसे वो जो वार के लिए है दोस्तों, अभी उनके समकक्ष के लिए है, तो इसमें इनको क्लासिक रूपे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दिया जाएगा,
कि डेली लिमिट जो है 25,000 रुपये होगी कैश विड्रॉल की, और 1.5 लाख रुपये की POS मशीन से अगर हम करते हैं तो उसके लिए होगी। इसमें इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये तक का आपको मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाए आपका, आपके डेथ हो जाए उसमें। एड ऑन कार्ड जॉइंट होल्डर, और ये आपका जॉइंट होल्डर के भी सभी को कार्ड इसमें दिए जाएंगे, बोथ कार्ड और प्रोवाइड फ्री, यानी कि ये सारे कार्ड आपको फ्री दिए जाएंगे जो आपके जितने भी आपके मेंबर्स हैं घर के, तो आपके डिपेंड। क्रेडिट कार्ड प्लेटिनियम रुपए क्रेडिट कार्ड JCOs OR इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट, तो दोस्तों इसमें प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो इंडियन आर्मी के JCOs होते हैं और जवान होते हैं और उनके समकक्ष जो भी होते हैं उन सभी को इसमें फैसिलिटी दी जाएगी। सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट, तो दोस्तों इसमें सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं और उनके समकक्ष जो भी होते हैं उन सभी को ये दिया जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर 2 लाख, तो दोस्तों इसमें जो आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है और परमानेंट आप विकलांग हो जाते हो तो इसमें आपको 2 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा जो प्लेटिनम कार्ड है उस पर, और 10 लाख तक का कवर आपको दिया जाएगा सेलेक्ट रुपए कार्ड पर। कंप्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉज प्रोग्राम सेलेक्ट कार्ड, तो आपका जो इंटरनेशनल लॉज और डोमेस्टिक लॉज है उसमें आपका को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कार्ड को। जीरो जोनिंग फीस इन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, दोस्तों इसकी जोनिंग फीस आपकी भी जीरो रहेगी और मेंटेनेंस चार्ज भी कोई नहीं लगेगा आपका इसका। कार्ड लिमिट ड्यू टाइम नेट मंथली इनकम पेंशन सब्जेक्ट इन द बैंक टाइम टू टाइम, तो कार्ड की जो दो बार की जो मंथली इनकम के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो महीने में। कंसेशनल होम लोन, तो दोस्तों होम लोन के बारे में इन्होंने बताया है, तो 1 साल के लिए जो आपका इसमें MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड जो लेंडिंग रेट है वो प्लस आपका 0.15 से 0.35% रहेगा। इसमें नील प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट चार्ज, तो आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी कोई नहीं लगेगी और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आपका कोई भी नहीं लगेगा। 5% कंसेशन इन मार्जिनिंग रिक्वायर्ड होम लोन, तो इसमें जो आपका 5% कंसेशन आपको इसमें दिया जाएगा। कंसेशनल पर्सनल लोन, तो आपको 1% लोन भी आप इसमें ले सकते हैं जिसमें आपका MCLR प्लस 2% चार्ज लगेगा। रिप्लेसमेंट टर्नओवर, तो आप इसको 60 महीने के अंदर यानी कि 5 साल के अंदर वापस इसको जमा करा सकते हो। कंसेशनल कार लोन न्यू एंड ओल्ड कार, तो आप दोस्तों इसके लिए नई और पुरानी कार पर लोन भी ले सकते हो। 100% ऑन रोड प्राइस, तो ये आपको 100% मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस, यानी कि आपका जितना भी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का टोटल जितना भी पैसा लगता है पूरा 100% बैंक आपको इसमें लोन के रूप में देगा। रेंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका इसमें रहेगा, तो इसका MCLR आपका रहेगा प्लस आपका 0.35% लगेगा इसमें आपको। प्रोसेसिंग चार्ज जो है फुली आपका इसमें रहेगा। लोन विद टेंजेबल कलेक्टरल सिक्योरिटी, तो दोस्तों हम ऐसी चीज़ में गिरवी रख सकते हैं जिसका हम छू सकते हैं, जैसे कि हम कोई गहने वगैरह भी गिरवी रख सकते हैं उस पर भी हमको लोन ले सकते हैं, तो इसका जो रेट रहेगा तो MCLR प्लस 1.35 पर एनुअल इसका रेट रहेगा। प्रतिभा एजुकेशन लोन स्कीम, ये दोस्तों IIT IIM एंड EWS कॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। 4-6 AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट, तो 6 कॉलेज में के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो लोन का जो 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन है उसका जो पर एनुअल रेट रहेगा MCLR प्लस 0.60% पर एनुअल। दूसरा इसमें रहेगा दोस्तों लोन अबव इन द 7.5 लाख, तो इसका जो रहेगा रेट आपका पर एनुअल MCLR प्लस 0.10% पर एनुअल रहेगा। तो दोस्तों इसमें अलॉटमेंट ऑफ द लॉकर प्रेफरेंशियल बेसिस विद 25 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC वेबड ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स डेट ऑफ द इशू फ्री रिमेंटेनेंस ऑफ द फंड्स गोरखा सोल्जर। तो दोस्तों मैं अभी इसको
कि आपको पात्रता और विशेषताएं बता देता हूं, जो हिंदी में पढ़ने वालों के लिए है, थोड़ा हिंदी में लिख के इसका बता देता हूं। तो देखिए, कार्यरत सेवनरी रक्षा कर्मियों के लिए जीरो बैलेंस पर जो खाता है ये खोला जाता है दोस्तों। ये तीनों सेना के दलों और रक्षा कर्मी के अंतर्गत वेतन खाता खोलने के लिए पात्र हैं इसमें दोस्तों। पीएनबी रक्षक प्लस योजना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, राज्य पुलिस दल, मेट्रो पुलिस, जैसे कि जिस शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कोलकाता पुलिस, अनुसंधान और विशेषण विंग, आरएनडब्ल्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय तटरक्षक कर्मी, अर्धसैनिक बल, जेंटलमैन कैडेट्स केंद्र, राज्य स्तर विशेष दल आदि शामिल हैं। ये सभी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएनबी रक्षा प्लस योजना के लाभ उन पेंशन उपभोक्ताओं ग्राहकों को दिए गए हैं जिन्होंने पीएनबी शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन लेने के लिए चयन किया है और उनका पेंशन सीपीसी द्वारा क्रेडिट किया जाता है, अर्थात हमारे बैंक द्वारा प्रोसेस यानी कि पीएनबी द्वारा क्रेडिट किया जाता है। जिन खातों में चेक, एनईएफटी और आरटीजीएस द्वारा पेंशन आता है वे जो योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते दोस्तों। पीएनबी रक्षक प्लस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं मैं आपको बताता हूं। 50 लाख रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर इसमें आपको मिलता है। 100 लाख रुपए तक का हवाई दुर्घटना आपको मिलता है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। 50 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना अस्थायी रूप से अगर विकलांग हो जाते हैं तब आपको इसमें मिलता है। स्वीप सुविधा इसमें आपको मिलती है। इसकी प्रारंभिक धनराशि जो है 10,000 रुपये से स्टार्ट है दोस्तों और न्यूनतम 1,000 रुपये तक है दोस्तों। 1,000 रुपये के गुणज में ही होनी चाहिए। लेन देन के लिए कोई कैश हैंडलिंग शुल्क नहीं लगाया जाता है दोस्तों इस अकाउंट पे, जिसका अर्थ यह है कि संपूर्ण भारत में पीएनबी की सभी शाखाओं में होम ब्रांच की तरह आप अपना काम कर सकते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 3 महीनों के निलंबन वेतन पेंशन शुल्क, यानी आपने वेतन लिया हो 3 महीनों में या आपकी पेंशन ली हो, 75,000 से 3 लाख रुपये तक ओवरड्राफ्ट ब्याज रियायत ब्याज दर में आप निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप अपना 3 महीने का पेंशन या अपना वेतन निकाल सकते हैं और बिल्कुल रियायत दर में आपको इस पर ब्याज लिया जाएगा। जैसे कि आवासीय कार शिक्षा व्यक्तिगत ऋण योजनाओं के सेवा शुल्क पर छूट, प्राथमिकता खाता धारक के बच्चे अगर प्रमुख संस्था और सेना शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेते हैं, पीएनबी प्रतिभा योजना के अंतर्गत परिवार सदस्यों के लिए जीरो बैलेंस पर बचत खाता इसमें आपको दिया जाता है। इसमें आपको लॉकर भी दिया जाते हैं दोस्तों। जारी करने के 3 साल तक वार्षिक रख रखाव शुल्क फ्री होता है और 25% तक की छूट पर उसके बाद आपको मिलता है। प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को लड़का हो लड़की हो 4 वर्षों तक हर वर्ष 1 लाख रुपये तक की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। प्रति निःशुल्क डीडी 50,000 रुपये की सीमा के साथ सीमित निःशुल्क डीडी आप बनवा सकते हैं। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा रहेगी तो उस पर आपका शुल्क लगेगा। गोरखा कर्मी भारत के पीएनबी खाते से एवरेस्ट बैंक लिमिटेड EBL नेपाल या नेपाल से भारत किसी भी शुल्क के पैसे भेज सकते हैं, बिना शुल्क के पैसे भेज सकते हैं। खाते में लिंक्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड से लेन देन हेतु मुफ्त SMS सुविधा भी दोस्तों इसमें हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये बाकी ये नियम और शर्तें लागू हैं इसमें, जैसे भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आपको ये कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सभी दोस्तों को मिल सके और उसका भरपूर फायदा उठा सके और अपने दोस्तों